तो गाइस आज पहली बार हम जा रहे हैं एजाज भाई के साथ, बहुत दिनों के बाद मिले। देखेंगे आज का दिन कैसा रहता है। यहाँ से निकलेंगे, यहाँ की तरफ जाएंगे अंदर से, यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है। फंस गए हम रोड के बीच में। निकल चुके हैं फाइनली अपनी गली से। एजाज भाई कैसा लग रहा है पीछे? बढ़िया लग रहा है। बहुत चला रहा हूँ एजाज भाई का बाइक, कुछ नया ही लग रहा है। हम पहुंच गए घंटाघर के पास। बहुत जाम है आज, बहुत ही रश है। ऊपर से एजाज भाई का जो हेलमेट है वो लूज हो रहा है मुझे, जिसकी वजह से मेरे सिर पे टिक ही नहीं रहा। ये देखो सामने, आप देख सकते हो घंटाघर, जो कि हम पहुंच चुके हैं। आज बहुत ही रश है यहाँ पे। संडे मार्केट एक्सप्लोर करने निकले हम, देखते हैं आगे। वैसे आज मौसम थोड़ा ठंडा है, आज गर्मी नहीं है, धूप भी नहीं है, तो सर्दी फील हो रही है। बस यहाँ के ऑटो वाले भाई, चलो मेरे भाई आगे। इनको पता नहीं कहाँ जाना है, ना राइट ले रहे हैं ना लेफ्ट ले रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इनका। हम तो सीधे ही निकलेंगे। ये देख सकते हो पूरा मार्केट आज फुल है, क्योंकि सारे लोग फ्री है तो इसलिए संडे मार्केट आया करते हैं घूमने। हम भी आज फ्री हुए हैं क्योंकि रोज़ कॉलेज जाना होता है, तो आज टाइम मिला थोड़ा घूमने के लिए निकले एजाज भाई के साथ। बाकी तो क्या ही कहें, आज बहुत ही ज़्यादा रश है मार्केट में, क्योंकि एजाज पीछे बैठा है। इतना वज़न है एजाज का, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता इसको। उससे बाइक भी इतनी हैवी, एजाज भी हैवी, मुझे दर्द आ रहा है इन पे। प्रताप पार्क के पास कितना रश लगा हुआ है। संडे मार्केट जो है यहाँ से निकाला जाता है अमूमन। अभी आगे जो है पूरा मार्केट आएगा, संडे मार्केट जहाँ से लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा रश है आज यहाँ पे। दूर से लोग ज़्यादा ही आते हैं संडे के टाइम शॉपिंग करने। कपड़े वपड़े सस्ते मिल जाते हैं, तभी दूर दूर से लोग आते हैं खरीदने। तो पहुँच गए हम फाइनली संडे मार्केट, और देख सकते हो चारों तरफ पूरा गर्म माहौल है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आधे घूम रहे हैं। बहुत रश है, बहुत दिनों के बाद आए हैं संडे मार्केट। देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिला तो ले लेंगे। देख सकते हो कितना रश है यहाँ पे लेफ्ट साइड से। कपड़े देख सकते हो, लोगों का रश देखो। बारिश की वजह से लोग आ भी नहीं पाते थे, तो आज तो बहुत ही रश है। ये देखो मामा बैठा है, मामा फोन निकाल रहा है, देख रहा है आज की कौन बिना हेलमेट के चल रहा है कौन नहीं। मामू से बहुत डर लगता है यार, फजूल में भी चालान कर देते हैं जब इनका मन करे। पूरा पूरा मार्केट जाम है आज, फुल है पूरा। कहाँ से जाएंगे? ऊपर से। ये देखो इधर से तो रास्ता मिलना मुश्किल है। लोग अंकल साइकिल पे बैठ के मजे ले रहा है। अरे यार कितना जाम है आज। असली कपड़े पता है बोलते हैं यहाँ से निकालते हैं। हाँ यहाँ से लग जाता है संडे मार्केट, और यहाँ पे एंड होता है आज। ये बंद क्यों रखा है पुलिस वालों ने यहाँ पे? भाई देखो पुलिस वाले गाड़ियाँ ले रहे हैं यहाँ से, लेके जा रहे हैं गाड़ियों को टो वैन पे। आज बिल्कुल ध्यान से चलाना पड़ेगा भाई, क्योंकि लोग अचानक से आ रहे हैं बीच में। ओ डंडे वंडे लेके बैठे हैं पुलिस वाले। बाइक चलाना तो तब सीखेगा। अरे नहीं मैंने वहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया, मैं भूल गया था कि मैंने इंडिकेटर ऑन रखा है। ये यहाँ पे लगाएंगे हम अपनी बाइक। तो गाइस अभी बहुत ज्यादा भूख लगी हमें, हम कुछ पहले खाने जाएंगे भाई, फिर उसके बाद देखते हैं जो प्लानों का शायद उजेर आ रहा है उसके साथ एक राइड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले शकील व्लॉगिंग कर रहा था, वो भी अच्छे से करता है, बट
एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट टाइम कर रहा था। ओहो मजा आ गया भाई। कोई बिना देख के चलता है भाई, कम से कम रोड जब क्रॉसिंग करना होता ना आगे पीछे देखना पड़ता है, कोई है नहीं है फिर भी। आज संडे मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक को रश है भाई, बहुत ज़्यादा। अब ये इनोवा मुझे साइड देता ना तो मैं आप सबको भी दिखा लेता। इधर पता है टायर स्किड करता है, इधर हल्का भी ब्रेक मारता हूँ ना टायर स्किड करता है। ये देख शायद बहुत दिनों के बाद संडे मार्केट खुला है, कंटिन्यू बारिश पड़ रही थी तभी संडे मार्केट को आ नहीं पा रहा था, तो बड़े दिनों के बाद मौसम क्लाउडी रहा है बट धूप नहीं है, तो इसीलिए हर कोई अपने धुन में चल रहा है भाई। अरे शक्ति स्वीट्स के छोले भटूरे ट्राई करने आए हम, आज देखते हैं इनमें टेस्ट क्या होता है। हम ट्राई करेंगे शक्ति स्वीट्स की रसमलाई, देखते हैं इसमें कैसा स्वाद है, टेस्ट देखते हैं। तो गाइस हम कुछ खाने गए थे, अभी कुछ खा के निकले हैं होटल से, जाएंगे कहीं घूमने। अभी तक हम यहाँ घंटाघर के पास बैठे हुए थे, थोड़ा कुछ आए हुए थे, उनसे मिला, बात बात हो गई उनके साथ, तो अभी जा रहे हैं हम आगे की तरफ घूमने। आज यार मौसम बड़ा ख़राब है तो मज़ा नहीं आ रहा, तभी काश अगर मौसम अच्छा होता। अरे यार गाड़ियों का जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि लोग जो है ना वो रोड से ही चल रहे हैं, फुटपाथ छोड़ के, तभी इतना जाम लग रहा है। बात आए हम संडे मार्केट, क्या ही बताएं, दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में भी, ऊपर से यार कोई कहीं पे भी मोड़ देता है, समझ ही नहीं आ रहा है इनको जाना कहाँ है। अब सर्दी थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि धूप जो है टोटली बादलों के नीचे जा चुकी है, इस वजह से थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही है हल्की सी, बाइक पे तो कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है। यहाँ पे पेड पार्किंग के लिए जगह होती थी, आज वो भी फुल है क्योंकि रेडे लगे हुए हैं हर जगह, फुटपाथ पे भी रेडे लगे हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे पेड पार्किंग होता था अक्सर, आज बिल्कुल है ही नहीं पेड पार्किंग। वाह क्या मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। आगे देखो ट्रैफिक वाले बैठे हैं, नाका लगा है बड़ा खतरनाक, पता नहीं आगे से जाने देंगे कि नहीं। हाँ छोड़ दिया, तो यार आज कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। ये शाम तक खुला रहता है यहाँ पे संडे मार्केट, है संडे के दिन लोगों को, क्योंकि आज कपड़े जो यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं, इस तभी तो सारे आते हैं बहुत दूर दूर से शॉपिंग करने। देखते हैं शायद निकलेंगे हम वापस घर की तरफ ही, कि बहुत घूम लिया आज, घर भी जाना है, काम भी है थोड़ा बहुत, वो निपटाते हैं पहले घर जाके, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। ऊपर से लोग जो है जहाँ से गाड़ियाँ चल रही वहाँ से चल रहे हैं, तो और भी दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में, कहीं किसी को ठोक ना दें तो ध्यान से चलाना पड़ता है इसलिए। खींचने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि बार बार जाम लग रहा है, थोड़ी बहुत खींच लेते हैं तो फिर से जाम, तो बिल्कुल धीरे चलाना पड़ता है, तो अच्छा ही है यार धीरे ही चलाना चाहिए बाइक, रेस राइडिंग ने क्या रखा है उसमें अपना ही नुकसान है। अरे मेरे बाइक करना क्या चाहता है,
जाना कहाँ है भाई मेरे, लड़ाई हो गई गाइस इधर। अरे लड़ाई हो गई इधर, लड़ाई हो गई फुला रही थी। पता नहीं इनका क्या मसला हुआ, नहीं आ रहा। अरे किसी का ध्यान ही नहीं है वहाँ पे, सब आपस में देख रहे हैं। इस मोहल्ले में हल्ला हो गया, रुको हम भी देखते हैं क्या हुआ है। तो गाइस निकले हम वहाँ से, पता नहीं क्या मसला हुआ था, लड़ाई चल रही थी, बेचारे एक को मार बड़ी, पता नहीं उसने किया क्या था, कुछ तो गलती किया होगा, बिना गलती के ऐसे गोंद मारता है, कुछ तो किया होगा उसने, तभी तो उसे मार पड़ी। अरे यार आज ट्रैफिक बहुत है, समझ नहीं आ रहा। एजाज को बोल रहा हूँ मैं, यार चला ले बाइक, बोल रहे नहीं यार आज तो ही चला ले, क्योंकि इससे बिल्कुल भी मन नहीं आज बाइक चलाने का, इसे मन ही नहीं कर रहा है। भाई तू चलाएगा बाइक? चला। इसे मज़ा आ रहा है पीछे बैठने में। देखते हैं शकील के व्लॉगिंग करने से कितने व्यूज आते हैं और कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो भाई जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, इज्जत का सवाल है। चलो यार जिसे अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसे अच्छा नहीं लगा वो नहीं करेगा, ज़बरदस्ती थोड़ी है भाई। और एजाज भाई बोल रहा था परसों, यार बहुत सारे लोग कुछ गलत कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसी बातों पे ज़्यादा फोकस करना नहीं होता है, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, हर किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। जब 10 लोग अच्छा बोलेंगे तो 10 लोग ऐसे भी होंगे जो आपके बारे में गलत कहेंगे, है कि नहीं? सब लोग अच्छे बोलने वाले थोड़ी होते हैं, हर कोई अच्छा नहीं बोलता। अगर 10 अच्छा बोलते हैं 10 गलत बोलेंगे, तो उन सबको इग्नोर करना है। एजाज भाई को मोटो व्लॉगिंग का कुछ ज़्यादा ही शौक है, शौक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हार्ड वर्क तो ये कर ही रहे हैं। अगर किसी काम के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं तो उस काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ताकि लोगों को तो भी लगे, जो इतने बैड कमेंट्स करते हैं उनको भी तो लगना चाहिए ना, हाँ भाई बंदा हार नहीं मान रहा है, वो गट्स होने चाहिए। मैं तो एजाज भाई को हमेशा बोलता हूँ, यार लोगों का काम ही बोलना, अगर तुम अच्छा कुछ अच्छा करोगे तो लोग तो बोलेंगे ही, और कुछ गलत काम किया होता है एजाज ने तो सब अप्रिशिएट करते हैं, मुझे पता है ना, जो हेटर्स होते हैं वो तो अप्रिशिएट ही करते हैं अगर कुछ गलत काम कर रहा होता है एजाज भाई। हाँ अच्छे काम पे तो हर कोई बुरा ही बोलते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। गाइस अभी तक शकील भाई व्लॉगिंग कर रहे थे, होप करता है उसका व्लॉगिंग करना आप सबको अच्छा ही लगा होगा, क्या बोला क्या नहीं बोला भाई मुझे नहीं पता। चलो तो अभी सीधा घर ही चलते हैं, शकील ने ले लिया कुछ सब्ज़ी, तो मेरा तो सब कुछ वहीं पे घर पे सेटअप है भाई, सब्ज़ी हो वब्जी हो कुछ भी हो मेरा घर पे ही है सब कुछ, जो भी मैंने लाया था लास्ट टाइम वो अभी तक भी वैसे का वैसा ही है। अब मैं एक ही बंदा हूँ ना तो कम ही लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा। अभी हम सीधा चलेंगे घर, वैसे ठंड बढ़ रही है शायद, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। हाँ भाई साहब आज थोड़ी ठंड लग रही है सच में, वरना इतनी ठंड नहीं लगती है मुझे। हाँ भाई साहब कुछ मज़ आज के बाद हमारे व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे, जैसे भी आएंगे आएंगे। बस शकील के पास भी ऐसे एक इको सपोर्ट है भाई, शकील बहुत अमीर बंदा है,